अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, तो सॉरी फॉर डैट। और मेरे दादा की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से भी, और टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो रहा था। बट नाउ आई एम बैक, और आप इंशाल्लाह आपको वीक में 2 से 3 वीडियो तो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की जो रेसिपी है वो है आड़ू के जूस की, बिकॉज समर्स हैं और इसमें कुछ ठंडा वगैरह पीने का दिल करता है। तो आज मैं आपको आड़ू के जूस की रेसिपी दे रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए आड़ू, और पहले हम आड़ू को पील कर लेंगे, उनका छिलका उतार लेंगे। तो ऐसे आप तो इसी तरह से आपको सारे आड़ूओं का ना छिलका उतार लेना है। तो अब हम ये सबका छिलका उतारते हैं। अच्छा, और छिलका उतारने के बाद आपको इनको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में। इसी तरह तो हमारे सारे आलू कट हो चुके हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 लेमन। तो इस तरह आपका आड़ू का जूस का ना टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे अब हमने ऐड कर दिया है लेमन, 1/2 लेमन हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमने लेमन इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा सॉरी, आप लोग नाराज़ भी होंगे कि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आई, बट या इंशाल्लाह अब मैं ज़रूर वीडियोस अपलोड करूँगी। तो नाउ अब हम इस ग्राइंडर में इनको ऐड कर देंगे सबको जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं ये। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, 1 कप हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करें शुगर। अच्छा, और आप क्वांटिटी के हिसाब से भी कर लीजिएगा, अगर आपके थोड़े ज़्यादा हैं तो आप थोड़े ज़्यादा डाल दीजिएगा, और अपने टेस्ट के हिसाब से भी। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 कप वाटर, 1 कप पानी, और उसके बाद थोड़ी सी हम इसके अंदर आइस ऐड करेंगे ताकि ठंडा ठंडा हम पिए इसको। तो पानी इससे ज़्यादा नहीं डाल दी क्योंकि आइस ऐड कर रहे हैं हम। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि कम हो आपका तो आप थोड़ी कम कर दीजिएगा शुगर एंड पानी वगैरह, और ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर बिल्कुल मेरे जैसा हो तो फिर आप इतनी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। तो नाउ अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में, मतलब इसका जूस बना देंगे। और शुगर आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, तो थोड़ी सी कम थी यहाँ पे, तो हमने 2 टेबलस्पून थोड़ी सी और ले ली है शुगर। और अब हम इसे को दोबारा से चला देंगे अपना ग्राइंडर, और इसको ग्राइंड कर देंगे। नाउ हमने इसको ब्लेंड कर लिया था, और अब हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्लासेस में आइस ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपना जो ये जूस है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये देखें, आपका बहुत ही मज़े का ना जूस रेडी हो चुका है, तो आप इसको इंजॉय करिए। और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी थी मैंने, तो आपको इतना कोई मज़े का ये बना था ना, आप इसको लाजमी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसकी थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है जैसे आप इसको सजाना चाहें। तो नाउ ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, और हमेशा की तरह मेरी मम्मी आपको यहाँ पे चख के बताएंगी। तो आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था। तो अल्लाह हाफिज़।